डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में एक ऐसा कैफे बना है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। ये एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे है। हालांकि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट दिल्ली के कनॉट प्लेस में पिछले साल से चल रहा है। ट्विटर खरीदने वाले एलन मस्क भी इस क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टर हैं। बात क्रिप्टो विला एंड कैफे की करें तो ये भोपाल के रोहित नगर इलाके में है। ये कैफे पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी थीम पर बेस्ड है। यहाँ का मेन्यू भी क्रिप्टो करेंसी थीम पर ही क्रिएट किया गया है। कैफे संचालक के मुताबिक 1.5 महीने में ही कैफे में 30 से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। इस कैफे का मकसद लोगों को अवेयर करना भी है, जिससे लोग सही जगह और सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। क्रिप्टो करेंसी के एक कॉइन की कीमत 20,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक है। अब सवाल ये है कि पेमेंट कैसे होगा। तो मान लीजिए अगर आप बिटकॉइन से पेमेंट कर रहे हैं, इस वक्त एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख रुपए है। अगर कैफे में आपका बिल 1,000 रुपए बनता है तो इस हिसाब से आपको 0.00034 बिटकॉइन ही देना होगा। अब सवाल ये है कि पेमेंट कैसे होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप फोन पे, जी पे और पेटीएम से पेमेंट करते हैं। क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेमेंट करने के लिए एक एक्सचेंज ऐप होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट करने के लिए QR कोड का यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो विला एंड कैफे में बिनांस ऐप पर पे कर सकते हैं। यहाँ सीधे क्रिप्टो करेंसी टू क्रिप्टो पेमेंट होता है। इसके लिए ऐप पर अकाउंट बनाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदना होगा। रही बात क्रिप्टो खरीदने की, तो क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदा जा सकता है। भारत में वजीर एक्स, जेब पे, क्वाइन स्विच कुबेर, क्वाइन DCX गो, क्वाइन बेस और बिनांसे समेत कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। वैसे तो हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन RBI की तरफ से जरूर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक डिजिटल रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, जबकि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को एसेट माना जाएगा।